स्पेशली गाइस ये दिखाने के लिए हमने स्टॉप किया है स्कूटी को यहाँ पर। एंड देख सकते हैं देखो आप अभी यहाँ पर स्कूटी देखो कैसा जा रहा है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर पेट्रोल डाल रहे हैं, देखो यहाँ से खेल रहे हैं, देखो यहाँ पर असलम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माई वन ब्लॉग। अमूल का अभी जूस पी रहा हूँ मैं यहाँ पर, देख सकते हैं अमूल के शॉप में, मेरे पीछे अमूल का शॉप आप देख सकते हैं। तो मुस्तफ़ा देखो स्कूटी में ही आए, हमने साइकिल भी वहाँ रख दिया और स्कूटी में अभी हम घूमने जाएंगे। एंड मुस्तफ़ा भी अभी पी रहा है देखो यहाँ पर जूस। एंड गाइज अभी अमूल जूस पीते पीते निकलते हैं किसी इंटरेस्टिंग जगह में, मतलब कहाँ भी घूमने जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं सामने की तरफ है असर केरी, तो अभी हम असर केरी से होते हुए अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। अभी आप देख सकते हैं कैसे भी हम होते हुए जा रहे हैं आशा हॉस्पिटल के साइड से। एंड आप देख सकते हैं सामने ऑटो स्टैंड से भी। एंड ये भाई साहब एयर देखो ऊपर जाने का रास्ता कैसा है सामने, एंड पीछे की साइड देखो कितना नीचे है, यहाँ पर पूरा अप एंड डाउन ऐसा ऐसा पूरा रास्ता है यहाँ पर सीधा। एंड गाइस अभी आप मेरे ठीक साइड में देख सकते हैं ईदगाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो ईदगाह यहाँ पर कैसा है, ईद की नमाज़ जो है ना पूरे यहाँ पर ही पढ़ाते हैं। तो गाइस अभी हमने स्कूटी कर ली है यहाँ पर पार्क, एंड अभी हम जा रहे हैं सर्कल के पास जाके पेट्रोल लाने। मुस्तफ़ा भी देखो यहाँ पर है, बोतल भी यहाँ पर है, तो चलो आप देख सकते हैं रॉयल ओक भी सामने है और ये रास्ता देखो एक बार यहाँ पर कैसा है पूरा। तो गाइस अभी हम जाते जाते जो है ना आ गए वापस, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी गली के अंदर से पेट्रोल पम्प में अंदर की तरफ, वहाँ पर एक हाईवे के साइड में है, तो चलो वहाँ पर जाते हैं एंड पेट्रोल लेके आते हैं फटाफट ताज़ा ताज़ा। एंड गाइस अभी हम आ चुके हैं बंदर रोड बस क्रॉस, एंड बंदर रोड बस क्रॉस का आप एरिया देख सकते हैं यहाँ पर, देखो कैसा है यहाँ पर एरिया, यहाँ पर देखो कितने सारे घरें भी हैं यहाँ पर। एंड नीचे की तरफ देखो यहाँ पर कैसे पूरे रोड हैं, देखो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन था बीच में इसके लिए ऐसा ऐसा भी हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं हम सामने की तरफ पूरे रोडें जो है ना यहाँ पर के पूरे हो गए तहस महस, पूरा यहाँ पर खुदाई खुदाई चल रहा था इसके लिए पूरा रोड देखो ऐसा हो गया। यहाँ पर देखो सामने कितना पानी है, अभी हम जा रहे हैं साइड से होते हुए आप देख सकते हैं देखो थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने अटैच कर दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर रोड ऐसा क्यों है, क्योंकि ना यहाँ पर ना नाली का जो है मतलब गटर का जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कुछ चेंज कर रहे थे समथिंग हो रहा था, इसके लिए देखो यहाँ पर साइड साइड में रोड है एंड बीच में सिर्फ खड्डा किया है उन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो कैसा है पूरा ये साइड भी और वो साइड भी। एंड गाइस अभी फाइनली आ चुके हैं पेट्रोल पंप पेट्रोल भराने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूटी में पेट्रोल पंप, देखो यहाँ पर कैसा है यहाँ पर का। अभी देखो यहाँ पर पेट्रोल डाल रहे हैं देखो यहाँ पर, अभी देखते हैं वहाँ पर मीटर कितना होता है, 120 का लीटर आप देख सकते हैं देखो वहाँ पर कितना हो रहा है। तो पैसे अभी मैंने मुस्तफ़ा को दे दिया, उन्होंने वहाँ पर दे दिया उन्हें। तो चलो गाइस अभी यहाँ से चलते, अभी गाइस पेट्रोल डाल के वापस से वही गली में हम आ चुके हैं आप देख सकते हैं देखो। तो अभी चलते हैं दूसरी जगह, ऊपर देखो मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर भटकल के। अभी गाइस हम आ चुके हैं आज़ाद नगर एरिया के पास है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मस्जिद है, यहाँ पर वाईएमसी ग्राउंड में आने वाला है। और ये सीन देखो कैसा लग रहा है, क्लाउड्स देखो वहाँ पर सामने कैसा लग रहा है पूरा, ये वो ये ब्लू ब्लू जो आप देख रहे हैं ना पूरा, ये पूरा पेंटिंग है ना वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक वाईएमसी ग्राउंड ही है पूरा, आप देख सकते हैं देखो कैसा है। यहाँ आप देख सकते हैं देखो पूरे बच्चे यहाँ पर कैसे खेल रहे हैं देखो यहाँ पर। मुसान नगर के पूरे दुकानें सभी जो हैं मैं आपको पूरे दिखाता हूँ अभी ऊपर की तरफ, देखो आप पूरे कैसे हैं। के स्कूल,
तो वहाँ पर भी आपको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या है। एंड मेरे स्कूल में भी आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पर क्या है, कैसा है स्कूल मेरा। तो चलो इस रोड में सीधा सीधा चलते बनते हैं। और एक चीज़ भाई साहब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो क्लाउड सब वहाँ पर साइड में कैसे से हो रखे हैं देखो इस वक्त। एंड वहाँ पर देखो सन जो है पूरा एकदम ब्राइटिंग हो रहा है, कैसा लग रहा है देखो पूरा सीधा ना। अंकी ऐसा ठीक से खोलूँ तो ना अंकी में मार रहा है शाम के टाइम में भी। मांगते हैं मुस्तफ़ा से फ़ोन और देखते हैं टाइम कितना हो गया है। हाँ 6:27 समथिंग टाइम हो रखा है अभी। तो ये टाइम में देखो ऐसा सा सीन है यहाँ पर का भाई साहब। और एक बात, ये कितना बड़ा और लंबा रोड है यार, बहुत बड़ा और लंबा रोड है ये। और अभी यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा स्कूल आ चुका है यहाँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ है हमारा स्कूल का बोर्ड। एंड ये रहा हमारा स्कूल, देख सकते हैं शम स्कूल, न्यू शम स्कूल देखो कैसा है। और एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ सामने की तरफ जूम करके कि वहाँ पर कैसा क्लाउड है देखो एकदम साइड में देखो कैसा। कैमरा ठीक से फोकस करने की वजह से नहीं दिख पाया। अभी मैंने हमारा स्कूल दिखा दिया है, तो अभी हम जा रहे हैं जामिया की तरफ, जामिया स्कूल। एंड वो अभी सामने की तरफ आने वाला है। अभी आप देख सकते हैं जामिया स्कूल है यहाँ पर, इसका एंट्रेंस देखो यहाँ पर कैसा है इसका बोर्ड। एंड ये एंट्रेंस बड़ा गेट बसेस जाने के लिए अंदर, जैसे देखो हमारा स्कूल कैसा लग रहा है। अभी गाइस हम रुक चुके हैं मदीना कॉलोनी के साइड में। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हम खा रहे हैं रोल, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉप देखो यहाँ पर कैसा है। एंड ना गाइस रमज़ान के टाइम में मैंने आपको यहाँ पर का सबका व्लॉग करके दिखाया था कि क्या क्या सभी सामान यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब रमज़ान रोज़ा खोलने के लिए क्या क्या सभी सामान यहाँ पर थे, चीज़ें अलग अलग वैरायटीज़ के सभी। तो व्लॉग में पिछले व्लॉग में यहाँ पर देखो ये व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो चलो अभी बैठ के खाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो हमें अभी हमारा रोल बना के हमें दिया जा रहा है यहाँ पर देखो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो हमारा रोल यहाँ पर देखो कैसा है, यहाँ पर पैक करके कैसे दिया है उन्होंने। अभी यहाँ पर ही थेर के बाहर की तरफ खाते हैं हमारा रोल। यहाँ पर ही बाहर की तरफ मैं आके थेर गया हूँ और खा रहा हूँ रोल। शुरुआत करते हैं रोल को यहाँ पर। एंड आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर रोड का सीन देखो कैसा है पूरा साइड से आगे से पीछे से सभी। खाते हैं पहले एक बाइट लेते हैं और टेस्ट देख बता दो हम आपको यहाँ पर का कैसा है, उसके बाद आप भी आके यहाँ पर ट्राई करना। तो गाइस अभी मैंने लास्ट बाइट भी यहाँ पर का ले लिया है, टेस्ट ना भाई साहब लाजवाब है एकदम। अगर आप भी मदीना कॉलोनी आएंगे तो यहाँ पर ये ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पर का रोल। एंड ऊपर की तरफ आपको मैं दिखाता हूँ बोर्ड दुकान का कैसा है देखो। तो यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई करना है ये चीज़। अभी मैं आ चुका हूँ अंदर की तरफ, करते हैं बिलिंग और खा के चलते हैं डायरेक्ट। अभी हम उसके बाजू में शॉप में आके यहाँ पर देख सकते हैं ग्लास में पे रहे हैं पानी। हमारे एक क्यूट से अंकल ने यहाँ पर पानी दे दिया हमें पीने के लिए परमिशन, तो अभी पी रहे पानी और चलते हैं यहाँ से। मैंने आपको बोला था ना क्यूट से अंकल, वो देखो यहाँ पर है क्यूट से अंकल देखो, इन्होंने ना हमें फ्री में पानी दे दिया पीने के लिए, वो भी अंदर जाके। उनके दुकान से कुछ नहीं खाया उसके बावजूद भी उन्होंने हमें पानी दे दिया पीने के लिए। तो गाइस अभी बैठते हैं वापस एंड चलते हैं नीचे की तरफ, एंजॉय करते हैं फिर नीचे किधर भी जाके, वरना आज के रात घर में जाते हैं नमाज पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको ये जो गली दिखाया ये गली से ही वापस से हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। अजान अभी होने वाली है थोड़ी देर में, नमाज पढ़ के यहाँ पर से ही चलते हैं हमारे घर। स्पेशली गाइस ये दिखाने के लिए हमने स्टॉप किया है स्कूटी को यहाँ पर। एंड देख सकते हैं देखो आप अभी यहाँ पर स्कूटी देखो कैसा जा रहा है यहाँ पर। OMG अभी जाने वाले थे, अभी गिरने वाले थे, कैसा लग रहा है देखो। ऐसे रास्ते में हम कैसे आए देखो यहाँ पर फुल एकदम जाम सा हो रहा था, गिरने मतलब ऐसा गिरने वाले थे, बच गए थोड़े में। मज़ा आया, ऐसे बड़े बड़े ऑफ रोडिंग करना चाहिए एक बार लाइफ में। देखो मुस्तफ़ा पैर साफ़ कर रहा है क्योंकि वहाँ पर उसका पैर चला गया था ना, सिर साफ कर रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर पानी का ऑफ रोडिंग देखो, पानी कैसे उड़ा रहा है। एंड यहाँ पर हर जगह ओपन क्लाउड्स का चारों तरफ से सीन आप देख सकते हैं देखो कैसा है यहाँ पर। और एक बार पानी का ऑफ रोडिंग गाइस, हम यहाँ पर ना सीधा सीधा आ रहे थे वहाँ पर देखो, ऑन कंस्ट्रक्शन रोड है वहाँ पर देखो, पाइप से भी रखे हुए हैं, कच्चे खड्डे करे हुए हैं। अभी चलते हैं वापस यू टर्न लेके, अभी देखते हैं सामने की तरफ मुस्तफ़ा ये है ऊपर जाने के रोड में कैसा, सिर्फ कैसा बोल ही रहा था उतने तक इसने चढ़ा दिया स्कूटी ऊपर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, हम ऊपर को अभी करते हैं बाय, ऊपर जगह को भटकल के।
अभी हम जा रहे हैं भटकल के नीचे का, ये है माउंटेन का एरिया पूरा देख सकते हैं आप। मतलब ना भटकल ना पूरे माउंटेन के ही एरिया में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम उतर रहे हैं माउंटेन के डाउन साइड, इसके लिए यहाँ पर डाउन है पूरा। देखो गाइस आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी बैटरी उड़ी है, ऐसी है, हमें एक लड़ दिया किसी भग रही है। देखो बैटरी बैटरी गाड़ी जैसी भग रही है, ऐसे बोल रही है एंड किसी स्पीड में जा रही है हमारी स्कूटी यहाँ पर एकदम। अब पूरा सीन देखो यहाँ पर माउंटेन का कैसा है, उड़ा रहा है ये बैटरी गाड़ी समझ के, डांस भी कर रहा है। देखो और एक डाउन आने वाला है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पैर से ढकल के थोड़ा सा सामने लेके जा रहा है पेट्रोल बचत करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो डाउन कैसा है, ऐसा जाके ऐसा होके फुल ऐसा है सीधा कैसा है। देखो अभी धीरे धीरे स्लो है, अभी फास्ट हो रहा होता जाएगा। देखो फास्ट हो रहा है, अभी फास्ट हो गया और सामने की तरफ जाते जाते और फास्ट हो जाएगा। मज़ा आता है गाइस ऐसे साउंड वाले, साउंड नहीं आने वाले बाइक में ऐसे मज़ा बहुत आता है। अभी हम आ चुके हैं साइकिल लेने, यहाँ पर देखो साइकिल यहाँ पर लॉक खोलते हैं अभी। अभी फाइनली साइकिल का लॉक मैंने खोल दिया है, तो चलो अभी साइकिल को लेके चलते हैं यहाँ से। अभी मेरे पीछे रिक्शा स्टैंड करते हैं इस रोड को क्रॉस, और मेरे सामने देखो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का एरिया। अभी गाइस साइकिल लेके और मुस्तफ़ा मेरी स्कूटी लेके फाइनली हम आ चुके हैं हमारे घर तक, बहुत तेज़ चलाते चलाते। उसके बाद नमाज पढ़ने जाते हैं गुलमी की तरफ, घर के अंदर जाते हैं थोड़ा रेस्ट करके आते हैं। अभी थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग आ चुके हैं, मुस्तफ़ा को भी मैंने पानी दे दिया और मैंने भी पी लिया पानी, तो चलो चलते हैं गुलमी और वहाँ जाके नमाज पढ़ते हैं। अभी गाइस मैं गुलमी के एक मस्जिद में आ चुका हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो नमाज मस्जिद कैसा है, यहाँ पर स्टेयर्स देखो, यहाँ पर से भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पर से भी, तो चलो चलते हैं अंदर और नमाज़ पढ़ के आते हैं फटाफट जल्दी से। अभी मैं कैमरा रखने जा रहा हूँ सालिम साहिल के घर में, मेरे कज़िन जो है मामू के बेटे उनके पास रखने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैमरा जो है बच्चों के साथ मतलब यहाँ कैमरा लाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इसके लिए अभी कैमरा रखने जा रहा हूँ मैं, तो चलो चलते हैं। देख ऑन करें तो गाइस आज के इस ब्लॉग को देख के आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। पहले कमेंट बॉक्स ऑन नहीं था, आप सब कमेंट नहीं कर सकते थे, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे बाहर से, तो मैंने फाइनली कमेंट बॉक्स ऑन कर लिया है। आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं एंड कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग लगा ज़रूर बताना, तो सबके साथ शेयर करना एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर गाइस।